प्यारे बुजुर्गों, माताओं भाई और बहनों हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए हैं हम सब जो अपने आप को जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं अपनी खोज में और प्रभु की खोज में कई बार हमको समझ में नहीं आता कि रास्ता हमें क्या अपनाना चाहिए और कुछ करते हैं तो बाद में सोचते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं किया कहाँ से हमें वो ज्ञान मिले जिसके ज़रिए जो ज़िंदगी का मकसद वो हमारा पूरा हो और इंसान को क्या क्या इस जिंदगी में मिल सकता है सही चीज़ क्या मिल सकती है उसकी जानकारी पाने के लिए हम सब बड़े उत्सुक होते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि एक शिष्य के रूप में जिंदगी के कई पहलुओं से गुजरे ताकि ज़िंदगी के मकसद को जानें पहचानें अपनी मंजिल तक पहुँचें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है गज़लों के ज़रिए दो लाइनों में बहुत कुछ लिख दिया एक गज़ल में अलग अलग थॉट्स को डाला ताकि हम सब जो असलियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम सब जो ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उसकी खोज में है कि हमें एक रास्ता दिखाई दे हम जान सकें कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है और क्या क्या हो सकता है ताकि हम ये ज़िंदगी ऐसी जिए जिसमें कि हम हर समय आनंद में रहें बहुत सी बार हम सब यही सोचते हैं कि ज़िंदगी दुख दर्द से भरी हुई है जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है हमें लगना शुरू हो जाता है कि शायद दुख दर्द हमारी ज़िंदगी और बढ़ते चले जा रहे हैं चाहे वो हमारे घर बाहर से आए चाहे शरीर के दुख हों चाहे कोई फाइनेशियल डिफिकल्टी लाइफ में आ जाती हैं या रिलेशनशिप्स में कुछ तनाव आ जाता है बट इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी दुखों से भर गई है लेकिन माँ समझाते हैं कि जिंदगी में हम ध्यान किस और देते दे हैं और किस और हमें ध्यान देना चाहिए ताकि कि जिंदगी हमें ऐसी ना लगे कि दुखों से भरी है पर ऐसी लगे जिसमें आनंद ही आनंद है कि हम असलियत में आनंद की जिंदगी जीने के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं जिसे स्वर कहा जाता है वो कहीं बाहर जाकर नहीं वो हम यहाँ इस धरती पर जीते हुए पा सकते हैं हमें अपने नजरिए को बदलना है हमने देखना है कि ध्यान हमें क्या करना है और वो खुशियाँ वो आनंद हमें कहाँ से मिलता है ये महापुरुष अपने अपने अनुभवों के जरिए हम सबको समझाते चले आए हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने रूहानियत के हर पहलू को बड़े ध्यान से देखा जाना पहचाना उनके एक गज़ल के कुछ शेर में लेना चाहूँगा ताकि हमें समझ में आए कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर कैसे हो सकती है और हमें क्या करना है और कहाँ से हमें क्या मिलना है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया है इस पहले शेयर में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम लोग जब कोई ढूंढते हैं तो तो पहले एक चीज़ जगह पर ढूंढते हैं फिर दूसरी जगह पर ढूंढते हैं फिर तीसरी जगह पर ढूंढते हैं ऐसे अगर आपने कोई ले कार खरीदनी हो पहले एक किस्म की कार देखने जाते हो फिर दूसरी किस्म की देखते हो फिर तीसरी देखते हो फिर आपने कपड़े खरीदने हैं आप पहले एक दुकानदार के पास जाओगे फिर दूसरे के पास फिर तीसरे पास फिर आप जब चीज़ें काफ़ी देख लेते हो फिर आप सोचते हैं ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है कि मेरे लिए बेहतर होगी आप वहाँ से वो चीज़ चुनते हो तो सब दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम सदा सदा का सुख चैन पाना चाहते हैं हम खोज में होते हैं सोचते हैं कि यहाँ से कुछ पाएं सोचते हैं वहाँ से कुछ पाएं सोते हैं वहाँ से, से कुछ पाएं और जब हम कुछ ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एकदम से हमें लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है तो वो जगह क्या है और वो जगह वैसी क्यों है तो वो इस शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज कि ऐसी नजर फिरोज थी ऐसी नजर फिरोज थी बजम गहे निगारे फन तो संदर्शन सिंह जी महाराज कि ऐसी नज़र फरोज थी बजम गहे निगारे फन बस में हो गया कि ऐसी जगह जहाँ पर के एक पूर्ण महापुरुष का सत्संग हो रहा है सत्संग घर जहाँ पर हम सब मिलकर बैठते हैं सच्चाई के बारे में जानकारी पाते हैं असलियत क्या है उसका हमें अनुभव होता है ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी ये सब अच्छी अच्छी बातें जहाँ से हमें मिलती हैं तो सत्संग स्थान जैसे अभी हम यहाँ कृपाल बाग में बैठे हुए हैं कि बजम गहे बजम गहे निगारे फन अब एक तो ऐसी जगह होती है कि लोग इकट्ठे होते हैं कई जगह में इकट्ठे होते हैं पूजा पाठ करते हैं प्रभु को याद करते हैं और दूसरी ऐसी हुई कि एक ऐसा स्थान जहां पर हम मिलजुल कर बैठते हैं और एक पूर्ण महापुरुष के जरिए असलियत की जानकारी पाते हैं तो बज गए निगार फन का तो मतलब है कि एक ऐसे सत्संग जहाँ पर जो हमारे सदगुरु हैं उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए कैसे खुलता है कैसे खुल रहा होगा कि उनके ज्ञान के ज़रिए उनके ज़रिए असलियत हम तक पहुँच सके तो ये एग्जाम्पल लिया गया है कि सुफिजम में समझाने के लिए जिंदगी क्या है ये समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर हैं ये सब उनका खेल है वो एक बाजीगर हैं, वो खेल खिलाने वाले हैं और सारा जो हम माया का ये जाल देखते हैं और ये जिंदगी जो जीते हैं सब प्रभु का एक खेल रचा हुआ है हम सबकी डोर प्रभु के हाथ में है तो हम कटपुतलियों के माफक नाच रहे हैं जैसे जैसे प्रभु हमें नचाते हैं और ये ये प्रभु आ, का ज्ञान बोलो वर्ड या ये उनकी क्रिएशन है कि अलग, अलग 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 चीज़ें वो एकदम से कर देते हैं और हर एक चीज़ उन्होंने संभाली हुई है और हर एक चीज़ उनके उनके बहाने में चलती है तो ये कॉन्सेप्ट के पिता परमेश्वर हैं शिष्टि उन्होंने रची हुई है उनके बहाने में सब कुछ होता है हम सब उनकी रजा में जी रहे हैं वो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि बजम गए निगार फन के ये जो महफिल है या ये जो सत्संग घर है जहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं ये एक पूरी दुनिया का अगर नजारा देखा जाए तो पिता परमेश्वर हैं सृष्टि को चला रहे हैं अलग अलग देश हैं अलग अलग भाषाएं चल रही हैं अलग अलग फेथ्स हैं लोगों के बिलीफ अलग अलग हैं आ, काम लोग अलग अलग करते हैं बस सब कुछ चल रहा है ये नहीं कि इंसान चला रहा है उसको पिता परमेश्वर चला रहा है उनके भाने में सब कुछ होता है तो समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष के संगत में पहुंचते हैं तो क्या होता है वो वो जो संगत है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं किस लिए इकट्ठे होते हैं वो सच्चाई ढूंढना चाहते हैं खुशियां ढूंढना चाहते हैं आनंद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो चाहते हैं उन्हें मालूम हो कि अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे उनकी मंजिल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी नज़र फिरोज थी जो नज़र फरोज होता है कि वो नज़र जो के रोशन कर दे जो के अंधेरे को दूर कर दे जो हमारी ज़िंदगी में जागृत ला दे तो यहाँ पर संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज की ऐसी नज़र फरोज थी बजम गए निगार फ़न के ये जो संगत में जब हम इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग किस्म के लोग आते हैं कोई पढ़े लिखे आ रहे हैं कोई इतने पढ़े लिखे नहीं आए कोई एक कल्चर से आ रहा है कोई दूसरे से आ रहा है कोई ज्यादा अमीर है कोई उतना अमीर नहीं है तरह तरह के लोग आते हैं और उन सब को संभाल कौन रहा है, उन सबका ख्याल कौन कर रहा है वो जो उस महफिल में अंधेरे में रोशनी लेके आते और रहे हैं कि वो जो हम अपने सदगुरु से जो उनकी दृष्टि पाते हैं वो जो हम तक पहुंचती है तो हमारी ज़िंदगी जो अंधेरे से भरी हुई है हमारी ज़िंदगी जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी जो कभी यहाँ भटकती है कभी वहां भटकते तो वहां भटकती है उसको रोशनी मिल जाती है रोशनी मिलने का मतलब क्या है कि उसको रास्ता दिखता है क्योंकि जब रोशनी होगी तो कुछ देखेगा अंधेरा होगा तो आदमी टकरें का रहेगा कभी यहाँ टकर खाएगा कभी वहां खाएगा कभी वहां खाएगा तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में जाके परम के कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में जाके और वो अपने अनुभवों को लिख रहे हैं इधर कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको जिंदगी में किस रास्ते पर चलना वो दिख गया उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई ये नहीं हुआ उसके बाद कि उनको यहां भटकना है यहां भटकना है यहाँ भटकना है रास्ता सीधा हो गया जहाँ पे रोशनी होगी वहां पे कुछ दिखेगा जहाँ पे दिखेगा क्लीनली वहाँ पे फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं तो ये तो समझा रहे हैं कि उस सभा में होता क्या है और अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भाग गई अहले नज़र की अंजुमन फरमा रहे हैं, मैं तो ढूंढ रहा था कभी मैं यहाँ ढूंढता था कि भाई जिंदगी का मकसद क्या है कभी वहाँ ढूंढता था कभी वहाँ ढूंढता था, था लेकिन जब एक पूर्ण महापुरख की संगत में पहुंचा और वहां अंधेरे में मुझे रोशनी मिल गई तो मेरी नज़र को भा गई कि हम लोग ये जो हमारी सेंस ऑफ साइट है इसको प्रीडामिनेट सेंस करते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि 83 थ्री परसेंट तिरासी परसेंट जो हम करते हैं वो हम जो इन आंखों से देखते हैं हम सोचते हैं ये असली है सबसे ज़्यादा जो हमारी पांच हैं उनमें से ये सेंस ऑफ साइट सबसे तेज है सबसे ज़्यादा काम हम इसका लेते हैं तो जो आंखों को चीज़ भा जाए वो इंसान को बहुत अच्छी लगती है किसी को एक चीज किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगता है तो किसी को दरिया के किनारे पे जाके बैठना अच्छा लगता है हर एक को की आंख में से जो भी किसी को अच्छा लगता है वो उसको चीज बहुत अच्छी लगती है वो उसी के साथ ज्यादा समय स्पेंड करना चाहता है वो चाहता है कि उसी डायरेक्शन में जाए तो फरमा रहे हैं कि मेरी नजर को भागे कि जो मेरी आंखों को भाया क्या अहले नजर की अंजुमन कह रहे हैं वो जो सदगुरु की जो महफिल है उसमें जो उनकी दृष्टि है जिस दृष्टि ने उनकी आंखों से मेरी आंखों तक उनके दिल से मेरे दिल तक उनकी रूह से मेरी रूह तक कनेक्शन कर दिया क्योंकि जब एक पूर्ण महापुरुष की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ी तो होता है हमारे अंदर हमारी आत्मा के अंदर प्रभु के लिए प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है प्रभु के लिए प्रेम हमारी आत्मा में है सदा सदा से है हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है प्रभु प्रेम के महासागर है हमारी आत्मा उसी सागर की बूंद होने के नाते प्रभु के प्रेम से भरपूर है लेकिन हम लोग उसको अनुभव नहीं करते क्योंकि मन माया के पर्दे पढ़ पड़े हुए हैं हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं उसके आगे जाते ही नहीं लेकिन फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है तो जितने भी वो मन माया के पर्दे हैं वो सब दूर होते हैं उनकी तवज्जो उनकी कमाई जब हमारी ओर आती है उसका कुछ हिस्सा हमको मिलता है तो हमारी रूह में हलचल होती है हमारी रूह जो करोड़ों सालों से प्रभु से दूर है जो भूल भी गई कि प्रभु का हिस्सा है उसको लगता है हा मैं तो प्रेम से भरपूर हूं मुझे प्रभु से प्रेम करना चाहिए मैं क्या अपना जिंदगी बेकार में कर रही हूं कभी यहां पे जा रही हूं कभी वहां पे जा रही हूं मुझे तो प्रभु की नजदीकी चाहिए उसके सिवाय और कुछ चाहिए नहीं तो उस आत्मा में उभार आता है उस आत्मा में प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है और प्रभु के लिए प्रेम जागृत करना ही एक पूर्ण महापुरुष का काम है उनका काम है कि हम प्रभु के लिए प्रेम जागृत करें प्रभु को जाने प्रभु को पहचाने प्रभु से प्रेम करें ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सके वो यहां हम में उनके लिए प्रेम जागृत करने के लिए नहीं आते वो हम में प्रभु के लिए प्रेम जागृत करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उनका बेड़ा पार हो जाएगा हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर जाके एक में होंगे तो एक पूर्ण महापुर जब इस धरती पर आते हैं उनका यही काम होता है कि हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम को वो जागृत करे तो संदर्शन दर्शन सिंह महारा जी महाराज यहाँ यही फरमा रहे हैं कि मेरी नजर को भा गई अहले नजर की कि जो जो वो पूर्ण महापुरुष हैं जो सदगुरु हैं हमारे उनके जो संगत है उसमें जब पहुंचा मैं और जब मेरे को उनकी दृष्टि मिली तो मेरे को वो भा गई जगह मुझे अच्छा लगा मैं बार बार वहां जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे वहां जाके सुकून मिलता है मुझे प्रेम मिलता है मुझे शांति मिलती है मुझे आनंद मिलता है और मैं इस दुनिया में जीता हुआ है जो माया की दुनिया है जहां पर लगता है दुखों से जिंदगी भरी हुई है कांटों भरी जिंदगी है उसमें जीते हुए मैं आनंद की जिंदगी जी रहा हूं मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं फाका नहीं मुझे मुझे मालूम है कि प्रभु मेरे साथ हैं प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु मेरे रखवाले हैं और जिसको ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर के संग संग है उसको दुनिया में किसी चीज का फिक्र फाका नहीं रहता अगर हमें अनुभव हो जाए कि प्रभु हमारे साथ हैं तो वह फिक्र किस चीज की है तो यहां पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उनके क्या अनुभव हुए जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुंचे संत के पाल सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुंचे अब जब हम महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तो बार 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 एक सदगुरु हमें क्या देते हैं उनसे हमें क्या मिलता है वो महापुरुषों ने खोल खोल के समझाया हुआ है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी फरमाया हुआ है वो कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश कह रहे ज्ञान का जो अंजन है जो सुरमा है सुरमा आंखों में लोग क्यों डालते हैं ताकि सही और शार्प हो और क्लीन हो इसीलिए इंसान सुरमा डालता है तो आंखों में कि उसकी दृष्टि बेटर रहे अच्छी रहे तो सर के ज्ञान का अंजन ज्ञान अंजन गुर दिया कि वो दृष्टि जो के असलियत दर्शाती है बाहर की दृष्टि की बातचीत नहीं कर रहे अंदर की दृष्टि जो सच्चाई हमारे सामने ला के खोलती है वो दृष्टि जो हमें परा विद्या जो आत्मा का ज्ञान है उसका ज्ञान देती है जो हमें समझाती है कि हे तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो आत्मा को उड़ान देनी है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो रूहानी यात्रा पे जाना होगा कि ज्ञान अंजन गुरु दिया वो कहां से ज्ञान मिलेगा एक गुरु से एक सदगुरु से और उससे क्या होगा कि अज्ञान अंधेर विनाश कि जो अज्ञान का अंधेरा है जो हम ये दुनिया की चीजों में सोचते हैं सब कुछ है जो मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं जो जो हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज हो रहा है हमको बहुत ज्ञान होकर वो अंधेरे ही अंधेरा है अगर हमने सच्चा ज्ञान पाना है तो वो अंदर की दुनिया में जाना होगा और वो ज्ञान जब एक पूर्ण गुरु से मिलता है तो जो अंधेरा है बाहर की दुनिया का वो खुद-बखुद हट जाता है एक जगह संदर्शन सिंह जी महाराज ने सेम चीज को अपने लफ्जों में समझाया संदर्शन सिंह जी महाराज जो के चाहते थे हम सब सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी जिए वो फरमाते हैं कि करे तलाश जिन्नू जुल्मत करे से कहो वो तो कहने के जिन्नू की अवस्था जो सदा सदा के आनंद की अवस्था है जिसमें जाके इंसान मस्ती में झूमता है प्रभु के प्रेम में जी रहा है कि करे तलाश जुनू जुल्म से कहो वो कहते हैं कि ये जो खिरत दिमाग को कहते हैं इंटेलिजेंस को कहते हैं कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस का अंधेरा है क्योंकि दिमाग हमें क्या करता है दुनिया की चीजों में लेके जाता है तो फरमा रहे हैं कि जो दिमाग से हम सोचते हैं दुनिया की जानकारी पाएंगे हम सोचते हैं प्रभु की भी जानकारी पाएंगे लेकिन दिमाग हमें सिर्फ दुनिया की चीजें समझा सकता है प्रभु को पानी का रास्ता नहीं दिखाता और जितना ज्यादा दुनिया में हम धसते हैं उतनी अंधेरी हमारी जिंदगी में हो रहा है तो फरमा रहे हैं कि करे तलाश जिन्हू जुलमत से कहो जिनू किरण है किरण के सिवा कुछ और नहीं कि वो जो अवस्था है सदा सदा के की वो रोशन होने की अवस्था है जागृत होने की अवस्था है वही जो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञान आंजन गुरु दिया कि एक गुरु ने जब अपने अटेंशन अपना ध्यान हमें दिया अपना ज्ञान हमें दिया तो हमारी जिंदगी से अंधेरा दूर हो गया उसका नाश हो गया वो खत्म हो गया और जो सच्चाई है जो अच्छाई है हमारी जिंदगी में खुलनी शुरू होगी गुरु नानक देव जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि एक सच्चा गुरु क्या करता है हमारे लिए तो फरमाने के घर में घर दिखाई दे, कि घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु पुरुष सुजान तो फरमा रहे हैं कि कौन सा सदगुरु है जो कि पूर्ण है ऐसा सदगुरु जो घर में घर दिखाई दे तो घर कौन से घर में कौन सा घर दिखाई दे इसको शरीर को घर कहा गया है कि इस घर में वो घर जो प्रभु का घर है उसको दिखा दे इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा बस रही है इस समय तो हम मन इंदियों के घाट पर जीते हैं तो हम सब सोते हैं बाहर की दुनिया की चीजें ही सब कुछ है तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक ऐसा पूर्ण सदगुरु जो कि हमें इस शरीर में जीते हुए जो प्रभु का घर है जो सच खंड है उसका अनुभव करवा दे इसका मतलब क्या हुआ जो कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर जो हमें मदद करे कि हम पिंड के शरीर ये जो शरीर है ये पिंड से ऊपर उठ पाए जो अंदर के मंडल हैं भ्रमण पार भ्रमण उनको पार कर सचखंड में पहुंचे और प्रभु से हमारा मिलाप हो जाए एक ऐसा पूर्ण महापुरुष जो इस शरीर में हमें प्रभु का घर सचखंड जहां पर आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है उसको दर्शा दे कि भाई उसी को पूरक सुजान कहा गया उसी सदगुरु की बात सिंह जी महाराज मारे ऐसी नजर फरोज थी भजन गए निगारे फन मेरी नजर को भा गई ऐले नजर की अंजुम के जब हम महापुरुषों के लिखे हुए वचन पढ़ते हैं तो बार 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 चाहे किसी एक धर्म में कोई महापुरुष आए किसी दूसरे धर्म में आए बार 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 वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब प्रभु को जान सकते हैं पहचान सकते हैं हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है अपने आप हम कर नहीं पाते क्योंकि मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हैं असली तक हम पहुंच नहीं सकते तो किसी की मदद चाहिए अब जैसे स्कूल में आप पढ़ने जाते हो तो फिजिक्स पढ़ते हो केमिस्ट्री पढ़ते हो मैथ्स पढ़ते हो साइंस पढ़ते हो और हिस्ट्री जोग्राफी बाकी चीज़ तो कोई आपको टीचर सिखाता है अपने आप तो इंसान पढ़ नहीं सकता सब कुछ समझ नहीं सकता सब कुछ तो कोई ना कोई आपको चाहिए तो वो तो दुनिया की चीज़ें पढ़ाते हैं मगर एक पूर्ण महापुरुष हमें जो जिंदगी का सबक है वो सिखाते हैं जिसलिए हम यहां आए हैं ये मानव चोला क्यों है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए तो नहीं मिला वो जरूरी है क्योंकि यहां नहीं तो काम नौकरी नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे पैसे कमाएंगे नहीं जिएंगे कैसे उसके लिए जरूरी है लेकिन हमारा पर्पज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और तो हिस्से जॉक्री पढ़ना नहीं है जो हमारा मेन पर्पज है इस शरीर में आने का वो अपने आप को सही रूप में जानना है हमने अपने आप को आत्मिक रूप में जानना है और प्रभु में लीन होना है चौरासी लाख जिया जो, जो उनसे छुटकारा पाना है यही एक मौका है कि जो कुछ हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो प्रभु ने सब इस शरीर में दिया हुआ है उसका हमने अनुभव करना है और जिसने उसका अनुभव कर लिया वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और जो बाहर की चीज़ों में लगा रहा जो सोचता रहा कि शायद पैसे बहुत कमाएंगे तो हमें बड़ा आनंद मिल जाएगा या हमने बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो बड़ा आनंद मिल जाएगा या अगर हमारे रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे होंगे मेल मिलाप बहुत होगा अच्छा तो बड़ी खुशियाँ मिलेंगे वो महापुरुष समझाते ये सब बाहर की चीज़ें हैं इनका कोई फ़ायदा हमें होने वाला है नहीं मेन फायदा वो होगा कि आत्मा ने प्रभु से प्रेम कितना किया क्या आत्मा प्रभु के पास पहुंची है क्या उसके साथ जुड़ी है क्या चौरासी लाख जिया से वो छुटकारा पा सकेगी अगर इन सब के सवालों के जवाब हाँ है तो, तो काम बहुत अच्छा है अगर एक का भी ना है तो हालत बहुत खराब है हमें अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं और हम सब बढ़ा सकते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं जो पिता परमेश्वर को पा ना सके लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए एक कशिश होनी चाहिए पिता परमेश्वर को पाने की और कहा से वो हमें मिलेगी वो यहां सन दर्शन सिंह जी महाराज पर हैं। आगे इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हुए समझा रहे हैं कि निगाहे साखिए अजल अजब करिश्मा साजी कह रहे हैं कि जो हमारे सदगुरु के अंदर पिता परमेश्वर की सत्ता काम कर रही है कि निगाह साकी अजल कि वो सत्ता जो उनके अंदर काम कर रही है हमारे उनको साकी कहा गया है उनकी निगाहों के जरिए जो हमें दिव्य दृष्टि मिलती है कि उसका अजब करिश्मा साथ है कि उसका उसका कोई कमाल ही अजीब सा था जो कि दुनिया के कमालों से अलग है बिल्कुल तो फरमाने के जुनू की आंख खुल गई खिरत को नींद आ गई तो समझा रहे हैं कि उनकी दया दृष्टि से जो हमारा दिमाग है उसको खिरत कहा गया जो हम दिमागी ज्ञान पाते हैं जो हमें दुनिया की चीजों में लेके जा रहा है जो दुनिया का ज्ञान तो उसको नींद आ गई कि वो जो अंधेरा जो हमारे दिमाग के जरिए जो दुनिया की और ध्यान दे जो अंधेरा आ रहा था उसको नींद आ गई वो खत्म हो गया कि और जुनू की आंख खुल गई और जो सदा सदा का सुख चैन की अवस्था थी वो हमारे लिए खुल गई हम जब अपना ध्यान बाहर की दुनिया में लगाते हैं तो सुबह से शाम तक हम देखते हैं कोई ना कोई हमको ऐसा हमको तंग ही कर रहा है कोई ना कोई तो को कह रहा है मुझे ये दे दो, दो जी मेरा ये काम कर दो जी मेरे को ये कर दो मेरे को वो कर दो हर एक चीज लगती है कि कोई हमसे मांग रहा है हमारे लिए ये कर दो हमारे लिए वो कर दो और हम भी कर 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 कर, कर तंग आ जाते हैं तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो उनकी नजरे कर्म हम पर पड़ती है तो उसका करिश्मा क्या होता है हम लोग तो जब आते हैं दुख दर से घरे हुए आते हैं हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है वही लगता है कि हमको सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं पता नहीं प्रभु ने औरों को तो खुश कर दिया हमको क्यों मुसीबत दे दी ये सब के दिमाग में ऐसे ही आते हैं सवाल तो रहे हैं के जब हम दुखों से भरे हुए थे और वहां पर आए संगत में और उनकी नजरे कलम हम पर पड़ी तो क्या हुआ कि जो हमारा ध्यान दुनिया की ओर था तो वो सो गया खत्म हो गया बंद हो गया और जन्नू की आंख खुल गई कि वो अवस्था जो सुख चैन की अवस्था है वो अवस्था जो प्रेम की अवस्था है वो अवस्था जो सदा सदा के आनंद की अवस्था है वो जो जिनू है अगर उसको इंग्लिश में कहो तो मैडली इन लव की अवस्था होगी जिसमें इंसान प्रभु से इतना प्रेम कर रहा है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं क्यों क्योंकि उनका ध्यान हमारी आत्मा के ऊपर है उनका ध्यान हमारी आत्मा को उभार देने के ऊपर है और हमारे दिमाग का ध्यान हमारे मन और शरीर को बढ़ाने के लिए है तो उनकी तवज्जो हमारी रूह की गहराई तक पहुंचती है और जब रूह को तंदुरुस्ती मिलती है संत कृपाल सिंह जी बहुत बारी फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी इन द माइंड कि कैसी हमारी रूह की सेहत है कैसी हमारी आत्मा की सेहत है उस पर हमारे मन की और शरीर की क्या सेहत है वो डिपेंडेंट है तो अगर रूह सही होगी तो मन की हरकतें भी सही होंगी और शरीर भी सही होगा मगर अगर रूह और अगर आत्मा या रूह हमारी सही नहीं होगी तो ना हमारा मन सही रहेगा ना ही हमारा शरीर सही रहेगा तो जो जो हमारी जान है वो आत्मा है जब तक वो शरीर में हम जीवित हैं तो हम उसको ठीक करें हम लोग ये बाहर से हम सोचते हैं शरीर तंदुरुस्त है कोई हमारे को तकलीफ ना हो उस चक्कर में लगे रहते हैं और सोचते हैं यार सोच विचार भी अच्छे रहे थॉट्स अच्छे हैं उस चक्कर में रहते हैं भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी है कि हमारी आत्मा सही होनी चाहिए आत्मा की जो स्टेट है, उस पर निर्भर है कि और हमारी जिंदगी में क्या होगा तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि वो जो अवस्था है सदा सदा के सुख चयन की जिसमें हमारी आत्मा हो सकती है वो वो जिनू की आंख खुल गई वो ना स्टेट खुल गई हमारे लिए और हमारा ध्यान उस और ज़्यादा जाना शुरू हो गया है और अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है और चीज़ें हमारे लिए सबले बेहतर और बेहतर बेहतर होती जा रही हैं और, और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन और बेहतर होंगी और बेहतर होंगी और बेहतर होंगी क्योंकि हमारे सदगुरु की दिव्य दृष्टि हम पर है और वो हमें सहारा दे रहे हैं कि हम प्रभु की नजदीकी पाए तो जो जिंदगी का मकसद है वो प्रभु की नजदीकी पाना है बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और इसीलिए एक जगह और सन दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए तो फरमा रहे हैं कि हम सब जब सत्संग में आते हैं तो हम चाहते क्या है कि एक रहमत से भरी नजर हम पर भी पड़ जाए हम अंदर से सब यही चाहते हैं कि हमारे पर एक एक प्यार भरी नजर पड़े दर्शनों के लिए इंसान क्यों आता है कि उस पर एक प्यार भरी नजर पड़े ताकि उसका ध्यान इस दुनिया से हड़े ताकि उसका ध्यान असलियत की ओर जाए और यहां सन दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब भी वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में गए परमसंत पाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में गए तो उन्होंने यही अनुभव किया कि जिस पर भी रहमत से भरी एक नजर हो जाए कि, कि हजारों लोगों पर जब ऐसे महापुरुषों की नज़र कर्म होती थी तो वो इंसान इस जिंदगी को जीता हुआ इस शरीर में होता हुआ भी अंदर की दुनिया का अनुभव करने के लायक हो जाता था कि दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए कि वो इंसान जो ये बाहर की दुनिया है जो हमें बाहर की ओर खेनती है जो दुख दर्द की ओर लेके जाती है उससे हमारा ध्यान दूर हो हम सब अंदर की दुनिया में जा सकते हैं बार 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 संत त्रिपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि वोट वन मैन कैन डू सो के जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है तो फरमाया करते थे कि हमने अपने आप को सगुणों से भरना है कि एक बनो नेक बनो कि नेकी का रास्ता इख्तियार करना है प्यार से जिए नम्रता से जिए सच्चाई से जिए हैं निष्काम से वाप से अहिंसा का रास्ता अपना है करुणा से जिए और प्रभु से एक होना प्रभु से एक होना ही जिंदगी का मकसद है इसलिए कहा एक बनो और एक बनने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है एक बनो नेक बनो कि गोल है एक होना प्रभु से रास्ता है नेकी का और जब नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु से एक होने के लिए अंदर की दुनिया में बढ़ना है जितने भी खंड मंडल हम सब के अंदर है कोई बाहर नहीं है इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं है सब कुछ हमारे भीतर है हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका चाहिए तो जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो पड़ती है तो ये हम सब के अंदर ये शिव नेत्र प्रभु ने दिया हुआ है तो शिव नेत्र करें दसवा द्वार गए सिंगल या थर्ड आई कहे ये अभी बंद है हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक नहीं है लेकिन जब एक पूर्ण महापुरुष की हमें तवज्जो मिलती है वही नामदान होती है नामदान क्या है कि उनकी तवज्जो हमें मिली और उनकी कमाई का कुछ हिस्सा मिला तो ये जो शिव नेत्र है खुला जब ये खुला तो रोशन दुनिया खुलनी शुरू हो गई वो दुनिया जहाँ जागृति जागृति है वो दुनिया जहा अंधेरा है ही नहीं और फिर उनकी मदद हमें मिली नामदान के समय हमारे सदगुरु यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाते हैं उनका नूरी स्वरूप टिकता है ताकि हम जब भी अभ्यास करें चाहे हम उनके सामने हों चाहे हजारों हो, मील दूर हों हम उन तक अंदर में चेतन अवस्था में पहुंच सकें ताकि वो हमें अपने साथ अंदर की जो दुनिया है जो रूहानी दुनिया है जो आध्यात्मिक दुनिया है उसमें वो हमें ले जाए और हमें अपनी मंजिल की और तेजी से बढ़ा के लेके जाए पिता परमेश्वर हैं हम सब के भीतर हैं हम सब उन्हें मिल सकते हैं ये बार 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 महाप्रतन समझा गए हैं तो आज के जब हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं क्योंकि अभ्यास ही एक तरीका है जिसके जरिए हम जागृत अवस्था का अनुभव कर पाते हैं जब तक ये मन इंद्रियों के घाट पर जिएंगे तब तक तो बाहर की दुनिया के नजारे देखते रहेंगे तो पांचों इंद्रियों को शांत करें आराम से बैठ जाइएगा अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा ये जो आंखों के सीधे सामने होने चाहिए जैसे आठ दस चिंत सामने आपके फोकस हों आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा जाप मन ही मन करना ऊंचा नहीं दोहराना थोड़ी देर में आपको आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे हो सकता है रोशनी के चक्र हों रोशनी आकर रही हो जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और समय के साथ आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे एक आसमा उसमें सितारे चंद्रमा सूर्य को पार करते हुए वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप अपने गुरु के नूरी तो पहुँचेंगे जब तो वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों में देखेगा और जो जो हम सबके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे शत्रु हमें लेके जाएंगे तो हमारा काम है शरीर को शांत करना मन को शांत करना बाकी जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वही नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संची के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परमसंत गृपाल सिंह जी महाराज और ध्यानपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में ढले हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं थोड़ी देर में मैं आपको एक बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं छोड़ दीजिए जी प्लीज़ प्लीज़ लीवाओ